बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हम सवाल करने आ रहे हैं मार्च 2018 का, जो कि बेसिकली अटेम्प्ट FIR 2 के अंदर आया था हमारे पास, लेकिन अभी हमारे लिए रेलिवेंट है कहाँ पे FIR 1 के अंदर, क्योंकि FIR 2 में से ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग नोट्स अलॉन्ग विद द कंपेरेटिव फिगर्स टू बी प्रेजेंट द FS ऑफ OL एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। मीन 17 के लिए क्या बनाना है, आपको नोट्स बनाने, आपके लिए कंपेरेटिव फिगर भी क्या रेलिवेंट है, तो मीन्स आपको 2017 और 2016 के लिए नोट्स बनाने। इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट IFRS एंड कंपनी 2017 क्या मांगा गया हमसे। ए रिक्वायरमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट मांगा गया 18 मार्क्स का, और चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड 2 नंबर। तो हम सॉल्व करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर ए। सवाल पढ़ते हैं एकदम। The following information pertain to the property, plant, equipment of Orchard Limited, OL, a listed company. Description, date of purchase, cost in million, original useful life, depreciation method and subsequent measurement model. ठीक है। बिल्डिंग हमने क्या की, बिल्डिंग परचेज की हम लोगों ने कब, 1 जन 2015 को, और प्लांट भी कब परचेज किया हमने, 1 जन 2015 में। दोनों ओपनिंग कॉस्ट क्या हमारे लिए, 1 जन 2015। तो इसके अलावा कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, 600 की परचेस मिलियन की परचेस की, और 475 मिलियन की परचेस की। ओरिजिनल लाइफ कितनी है इसकी, 30 साल और इसकी 25 साल। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है इसमें, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी स्ट्रेट लाइन। और सब्सिक्वेंट मॉडल कौन सा हमारे पास, इसमें एक इसमें है रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें है कॉस्ट मॉडल। मीन्स हम प्लांट को, बिल्डिंग किस पर वैल्यू करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और कॉस्ट को किस पे कर रहे होंगे हम लोग हमेशा, कॉस्ट मॉडल पे। ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन में लिखा है हमारे पास द रिवैल्यू अमाउंट ऑन ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमाइंड बाय द शब्बीर एसोसिएट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 30 दिसंबर 2015 एंड 2017, 700 मिलियन की एंड 463 मिलियन की रिस्पेक्टिवली। इन 15 में कितनी है हमारे पास, 700 मिलियन से, और 17 में कितनी हो रही है, 463 मिलियन से। ठीक है। 29 जून 2017 अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज 66 मिलियन वर सोल्ड टू बाकेट लिमिटेड ऑन 35 मिलियन। इट वॉज लास्ट रिवेल्यूड एट 87 मिलियन। ऑयल इनकर्ड अ कॉस्ट रुपीज 2 मिलियन ऑन डिस्पोजल। ठीक है। मीन नोट्स अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है, तो जाएगा डिस्पोजल के अकाउंट में। फिर लिखा है द ओएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन द एनुअल बेसिस। ये हमने बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पढ़ी, तो अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा। कंपैरेटिव बनाना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन, Orchard Limited, notes to the account, आप लोगों ने पूरा लिखना है, for the year ended 31 December 2017, description, डिस्क्रिप्शन में बता रही बिल्डिंग 2017 एंड 2016 कंपैरेटिव। अब यहाँ हम कर लेते हैं प्लांट की बात। प्लांट आ रहा होगा हमारे पास 2017 का एंड 2016 का। सवाल इन मिलियन है, रुपीस इन मिलियन है, तो रुपीस इन मिलियन ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा हमारे पास कॉस्ट,
या रिवैल्यूड अमाउंट लेस करते हैं इसमें से हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट. डेप्रिसिएशन होगी कौन सब्सिक्वेंट होगी तो मीन्स रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगी और कोई अगर इम्पेयरमेंट है तो वो माइनस होगी. देन हमें मिल जाएगा हमारा कैरिंग अमाउंट. अच्छा कॉस्ट रिवैल्यूएशन कौन सी डेट की आएगी, ऑन 1 जैन की, ये भी 1 जैन वाली, और कैरिंग अमाउंट भी कौन सा आ रहा होगा 1 जनवरी वाला. देन उसके बाद हम एडिशन कर रहे होंगे यहाँ पे, एडिशन देन डिस्पोजल, अगर कोई इम्पेयरमेंट है वो, देन रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन देन डेप्रिसिएशन, और आखिरी में बता रहा हूँ कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2016 या 17. देन एक अलग से चार्ट बन रहा होगा हमारे पास कैरिंग अमाउंट को, हम दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे, कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2017. मीन्स यहाँ पे जब हम लोग 16 कर रहे होंगे तो हमारे लिए वो 15 बन जाएगा और क्लोजिंग हमारा 17 बन जाएगा. तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कर दूँ मैं इस सवाल के हिसाब से. ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंने यहाँ पे ईयर का नाम आ जाएगा कंपैरेटिव, अगर नहीं मांग रहे तुमसे. अच्छा लाइफ कितनी है हमारे पास इसके अंदर, लाइफ है 30 साल और 25 साल. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसके साथ लाइफ और मॉडल. बिल्डिंग जो है हमारे पास है उसकी लाइफ 30 साल और इसकी 25 साल. तो यहाँ भी सेम 30 साल और 25 साल. Sorry. 30 years. और ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे और इसकी लाइफ है 25 years. और ये हमारे पास कॉस्ट मॉडल पे. अब स्टार्ट करते हैं सवाल को. इसने क्या बोला हमसे, इसने रिवॉल्यूशन परफॉर्म कब करी है, इसने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करी है 2015 के अंदर, 2015 के ईयर एंड के ऊपर. मीन्स अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा एसेट कितना रिवैल्यू हो चुका होगा तो हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी आ रही है. ओपनिंग कितने से हमारा 600 से, तो 600 को अगर मैं डिवाइड करूं, 600 को डिवाइड करूं मैं कितने से, 30 से, तो हमारे पास कुछ अमाउंट आएगा 600 डिवाइडेड बाय 30. आ गया 20. उसके बाद 20 माइनस होंगे तो हमारे पास हमारा एस सी कितना आ गया होगा, हमारे पास 580 से हमारा एस सी जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 580 से. इन 600 को माइनस कर दो 20 से, कितना बचा होगा 580. यहाँ करते हैं हम लोग 600 को हमने डिवाइड किया किससे, 30 से, तो कितना है हमारे पास 580 से. 580 हमारे पास क्या आ रही होगी, क्लोजिंग आ रही होगी. इसको मैंने रिवैल्यू करूंगा, ये मेरे लिए क्या है एच सी है
और मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास 2017 के एंड पे, 15 के एंड पे 2,700 मिलियन से, मीन्स मेरा फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 700, तो मीन्स मैंने रिवैल्यूएशन परफॉर्म की होगी कितने से, 580 माइनस 700, तो 120 120 से क्या हो रहा होगा, मेरा एसेट रिवैल्यू हो रहा होगा, मीन्स एक एंट्री पास हो रही होगी हमारे पास के प्लांट सॉरी बिल्डिंग डेबिट हो रही होगी हमारे पास 120 से, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो रहा होगा कितने से, 120 से। तो मीन्स हमारे पास 2016 के स्टार्ट पे कितना अमाउंट आ रहा होगा 700 मिलियन से, इसकी कोई भी सब्सिक्वेंट एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने ईयर एंड पे क्या किया इसको वैल्यू किया, तो हमारे पास ये कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा 700 मिलियन से। देन उसके बाद हमने इसको कब सेल किया, हम लोगों ने मतलब जो इन बिल्डिंग हमने वैल्यू करी थी उसको हमने सेल कर रहे हैं कब, 2017 के अंदर, तो मीन 2016 जो है सेम रहेगा हमारे पास, तो मीन 700 मिलियन जो है हमारे पास 700 मिलियन क्या है मेरे पास रिवैल्यूड अमाउंट है, इसकी लाइफ कितनी बची है, एक साल में यूज कर चुका हूँ 15 के अंदर, तो कितनी बची, 29 ईयर्स, तो 700 डिवाइडेड बाय 29 कितना आ गया मेरे पास 24.14, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कैसे निकाला हमने 700 डिवाइडेड बाय 29 यस, क्योंकि एक साल हम यूज कर चुके थे 15 के अंदर, लाइव बची 29, तो कितना में कैरिंग अमाउंट कितना आया हमारे पास, हमारे अमाउंट आया कैरिंग अमाउंट 675 मिलियन 86, ये कैरिंग अमाउंट है, तो ओपनिंग देखें तो ओपनिंग कितना है हमारे पास 700 और क्लोजिंग कितना आ रहा है 675.86। फिर 2017 के स्टार्ट पे आए हम लोग, 2017 के स्टार्ट पे हमने देखा कि हमारे पास हमारे पास 700 से क्या थी, 700 से रिवैल्यूड अमाउंट आ रहा था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी हमने 24.14 से लास्ट ईयर, तो कैरिंग अमाउंट आ रहा था हमारे पास 675.86 मिलियन से, कोई एडिशन नहीं करवाया हम लोगों ने, सिर्फ एक ड्यूरिंग द ईयर क्या करेंगे हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं हम लोग कितने से, देखा 29 जून 2017, अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 मिलियन वर सोल्ड टू बाकेट लिमिटेड 435 में 85 मिलियन, इट वाज रिवैल्यूड अमाउंट एट 87 मिलियन। अब ये एसेट क्या हो चुका था, रिवैल्यू हो चुका था लास्ट ईयर मीन 2015 में रिवैल्यू हुआ होगा, तो अगर हम देखें कि 87 जो है हमारे पास, अब थोड़ी देर के लिए इनका कॉस्ट को भूल जाएंगे, हम देखेंगे हमारे पास जो एसेट आ रहा है कितने से, 87 मिलियन से, 87 मिलियन कब हुआ इसका, 87 मिलियन हुआ हमारे पास 31 दिसंबर 2017 के 15 के अंदर 87 मिलियन, हमने पूरा साल यूज किया इसको कब, इसकी लाइफ जो बची होगी वो 29 इयर्स बची होगी, और इसको मैंने यूज किया पूरे पूरे 1.5 साल, डेढ़ साल मैंने कितना यूज किया इसको, 4.5 यूज कर लिया मैंने इसको, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो कितना आ रही है हमारे पास WDV 82.5, कि मेरी आज WDV कितनी है हमारे पास 82.5 है रिवैल्यूड अमाउंट के हिसाब से, मेरा एसेट की कॉस्ट मेरी एसेट कितने का हो गया मेरे पास 87 मिलियन का, रिवैल्यूएशन परफॉर्म होने के बाद 87 के मिलियन की कॉस्ट हो गई, और कब हुई 31 दिसंबर 2015, तो 15 के एंड पे मैं देखूँ तो मेरे पास कितनी लाइफ बची है 29 ईयर्स, तो मैंने 29 ईयर्स तक और मैंने कितना यूज किया इसको 30 जून तक, मीन 1.5 साल यूज करा और मैंने मजीद 16 पूरा और 6 महीने 2017 के, तो मैंने 1.5 से क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया और 29 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई मेरे पास यूज करने वाली आफ्टर रिवॉल्यूशन 4.5 मिलियन से, तो मैंने माइनस करा इसमें से तो क्या मिल गई मुझे WDV मिल गई 82.5 मिलियन,
रेवोल्यूशन मिला के, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ये अमाउंट ऐसे निकाल सकते हैं 87 मल्टीप्लाई बाय 29, और बची कितनी है ये 27.5, तो भी अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा बिल्कुल, चेक कर सकते हो आप, सेम होगा 82.5। ये तुमने क्या निकाली, डब्ल्यू डी भी निकाली, किस चीज की 82.5 निकाला हमने डब्ल्यू डी भी, कैसे आप एक वर्किंग का रेफरेंस भी दे सकते हो खुद भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेक करें तो हम लोगों ने, हमारे पास 700 मिलियन की क्या था एसेट था, हमारे पास 2015 के हिसाब से 700 का एसेट था, जिसमें से मैंने 87 क्या कर दिया, मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो 700 माइनस 87 कितना आ रहा है हमारे पास 613, तो 613 2015 के हिसाब से मेरे पास, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लेके गया इसको ईयर एंड पे 2017 के अंदर, तो 29 इयर्स क्या थी इसकी लाइफ बाकी थी, इसको डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा खाली यहाँ तक, अभी अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 613 डिवाइडेड बाय 29, तो कितना हो गया मेरे पास, ये आ गया 21.14 से, एंड उसके बाद ये था पूरे साल जो रही होगी मेरे पास इस साल 2017 के अंदर, और एक रही होगी मेरे पास, इसको वर्किंग नंबर वन का नाम दे देते हैं, और 87 मिलियन की जो ये जब ने माइनस करा है, ये रही है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने महीने, 6 महीने, तो इसको मैंने 29 से डिवाइड किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको कितने से 6 / 12, तो इसका कितना अमाउंट आया, ठीक है, ये कितनी है हमारे पास 1.5 मिलियन से, टोटल किया मैंने डेप्रिसिएशन किसके लिए, डेप्रिसिएशन निकाली है मैंने 2017 के लिए, तो कितनी है 22.64 मिलियन से, 22.64 मिलियन। अगर चाहे दोबारा से देखना शॉर्ट में, तो आप ये देखो कि आपने 700 में से आपने माइनस कर दिया, आपने बोला 700 का आपके पास एसेट था 2015 के हिसाब से, ये वैलिड अमाउंट जा रहा है, इसमें से आपने 87 क्या कर दिया, सेल कर दिया था, जब सेल कर दिया तो आपके पास बचा कितना, वो चला होगा पूरे पूरे 29 इयर्स न्यू लाइफ थी उसके बाद 2015 के साथ से मैं देखूं तो, देन उसके बाद प्लस कर दिया इसके अंदर हमने क्या चीज 87 जो हमने माइनस किया है डिस्पोज किया है, तो उसकी भी कोई ना कोई डेप्रिसिएशन आई होगी 6 महीने की, तो उसको मैंने क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है 29 इयर्स से, 29 इयर्स लाइफ थी इसकी, जिसको मैंने इस साल कितना यूज किया था 0.5, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी 22.64, इसको हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, देन क्या करना है हमें रिवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है, तो अब अगर लेट से हमें चाहिए रिवैल्यूएशन का अमाउंट, तो हमें देखना है कि यार हमारा एचसीए कितना आ रहा है, तो हम लोगों ने पहले वैल्यू किया कि एचसीए कितना होता, एसी कितना होता हमारे पास, और फेयर मार्केट वैल्यू ये कितनी, सबसे पहले हम एसी निकाल लेते हैं, क्या करें सिर्फ और सिर्फ आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आपके पास लेट से 613 क्या थी हमारे पास, बचा हुआ एसेट था हमारे पास, उसके बाद इसकी लाइफ कितनी 29 इयर्स लाइफ थी, आपने कितना यूज कर लिया इसको, 2 साल यूज कर चुके हो, 2017 में आ गए, तो 27 इयर्स लाइफ बची होगी, 27 इयर्स करें तो कितना बचेगा 613 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 29, ये कितना है हमारे पास 570
0.7 से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चेक करें क्या चीज एच सी अपना, तो एच सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कि हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट कितनी आई थी 600 से, 600 से हमारी कॉस्ट थी, जिसमें 66 मिलियन क्या कर दिया हम लोगों ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। 600 की कॉस्ट थी ओपनिंग 1 जन 2015 की, उसमें से 66 क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कोई 534,000। 30 साल इसकी लाइफ थी, क्योंकि अभी तक कोई इसमें डेप्रिसिएशन अपना रिवेल्यूशन पर वाला कोई इसमें सीन नहीं है हमारे पास, और इसको हमने 3 साल यूज कर चुके हैं 15, 16, 17, तो इसकी लाइफ कितनी बची अभी उसे 27 साल, तो कितना आ गया हमारे पास अमाउंट 480.6 से। तो हमारा एस सी कितना आ जाएगा 480.6 से, कि अगर लेट से कोई भी रिवेल्यूशन परफॉर्म नहीं होती तो हमारे पास आज कैरिंग अमाउंट कितना होता 480.6 से। देन हमारा फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है सवाल के अंदर में कितने अमाउंट से 463 से, तो 463 से हमारा क्या आ जाएगा रिवेल्यूशन का अमाउंट, मेन फेयर मार्केट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें एस यहाँ खड़े हैं हम लोग, हमें कहाँ जाना है, हमें 463 पे जाना है, तो मीन्स हमें नीचे लेके जाना है इसको, तो 570.7 से नीचे लेके आएगा कहाँ पे 480.6 तक। तो ये था हमारे पास रिवेल्यूशन सरप्लस, रिवर्स हो रही होगी हमारे पास कितने से 90.1 से, देन उसके बाद 480.6 से हमें नीचे लेके आएंगे इसको किस पे 463 पे, मीन्स हम लोग एच सी से भी नीचे लेके आ रहे हैं, तो मेरे लिए क्या आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लॉस है हमें कितने से 17.6 से, तो नाइन्टी पॉइंट वन और ये आ गया 17.6 से। इसको रेफरेंस देते हैं वर्किंग नंबर वन का, कि अब हमारा एसेट क्या चुका होगा, हमारा एसेट नए कैरिंग अमाउंट पे आ चुका होगा, जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो कितने से 463 पे, 463 से। तो ओपनिंग कितनी आ रही थी हमारे पास 675.86 और क्लोजिंग कितने हमारे पास 463। हमने बिल्डिंग का ओपनिंग 2016 के लिए फाइंड करा वैल्यूज वगैरह और नोट्स तैयार किए। अब हम आते हैं 2015 पे, 2000 प्लांट पे, प्लांट के लिए पढ़ते हैं। हमारे पास प्लान का परचेस किया गया ये सेम डेट को 475 का, लाइफ कितनी इसकी 25 साल, स्ट्रेट लाइन तो कॉस्ट मॉडल, तो ये चीज थोड़ी देखने वाली है। तो प्लांट के लिए इसने क्या बोला हमें, ऑन 31 दिसंबर 2016 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ अ प्लांट वाज असेस्ड 360 मिलियन विद नो यूजफुल लाइफ, विद नो यूजफुल लाइफ। ठीक है, सवाल के अंदर स्टार्ट में भी कोई यूजफुल लाइफ नहीं है हमारे पास, तो यूजफुल लाइफ तो कोई चेंज नहीं हुई, सॉरी यूजफुल लाइफ कोई चेंज नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास 460 से, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसमें यहां हम कर रहे हैं क्या चीज वर्किंग नंबर टू, वर्किंग नंबर टू में क्या है हमारे पास 475 है, हमारे पास 475 ओपनिंग कॉस्ट है, और हम कब इसको रिवैल्यू कर रहे हैं 2016 के अंदर, तो 475
कि लाइफ कितनी है, 25 साल, 15 में 16 हमने यूज किया, कितनी बची, 23 साल, तो कितना आ गया हमारे पास, 475 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 25, ये हो गया मेरे पास 437। लेकिन क्या किया, इस साल मैंने यूज भी किया इसको, तो पहले तो क्या करेंगे, क्योंकि ईयर एंड पे क्या कर रहे हैं, इसको डेप्रिशिएट कर, उतना रिवैल्यू कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2016 के अंदर कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करनी है हमें, इसकी डेप्रिशिएशन फाइंड करनी है। तो कितने थे हमारे पास, 475 से इसको मैंने रिवैल्यू किया होगा, इसको डेप्रिशिएट किया होगा मैंने कितने, 475 डिवाइडेड बाय 25, तो हमारे पास अमाउंट आया ये 19 से, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है, 456, ये हमारे पास क्या कैरिंग अमाउंट आ गया। अब ये कॉस्ट मॉडल है तो इसमें अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट भी आ रही होगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी। देन इसके बाद कोई इसमें एडिशन नहीं है, इसमें डेप्रिसिएशन आएगी जरूर। तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, दोबारा से हम लोग सेम 475 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास आगे दोबारा से कितने, 19 से, तो वहां वर्किंग नंबर 2 की जगह यहां कर लेते हैं 475 हमारे पास क्या था, कॉस्ट थी 1 जनवरी 2015 को जो हमने परचेज की थी, 25 साल लाइफ थी इसकी, 2 साल हम यूज कर चुके हैं, तो कितनी लाइफ बची होगी, 23 साल, तो हमारे पास क्लोजिंग कितना आ गया हमारे पास 437 से, तो 437 मेरे लिए क्या बन गया, 437 मेरे लिए बन गया हमारा HCA, और अभी तक कोई रिवेल्यूशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए क्या है, ACA। और हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है, हमारा रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है 360 से, तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डाउन पे जा रहे हैं, मीन्स हमारे लिए इम्पेयरमेंट हो रही है, कितने से, 437 माइनस 360 या आ गया 77 से, तो 77 से हमने क्या किया, हमने इसको इम्पेयरमेंट करी, इम्पेयरमेंट का हमारे पास 77 से माइनस करा, तो क्लोजिंग कितनी आ गई हमारे पास 360 से, क्योंकि आनी भी चाहिए हमारे पास। और अगर हम लोग ओपनिंग देखें तो ओपनिंग कितनी आ रही है हमारे 476, और क्लोजिंग कितनी हो रही है हमारे पास 360। तो हम 2017 के ऊपर आते हैं, 17 में हमने, अब कॉस्ट आ रही होगी, हमें कॉस्ट कितनी आ रही होगी सेम 475 से, और हमारे पास यहाँ कितना अमाउंट आ रहा होगा, यह हमारे पास अमाउंट आ रहा होगा 19, ये वाले 19, ये वाले कितने हो गए हमारे पास, ये 38, और इसमें क्या कर रहे होंगे, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट प्लस कर रहे होंगे, तो कितने से अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट 37 से, तो हमारे पास कितने होगा, ये 115 से माइनस करेंगे हम लोग, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कोई 360 से। देन उसके बाद During the year 2017, OIL has decided to change the depreciation method for the plant for the straight line to reducing balance method. The new depreciation rate would be 10%. अब rate कितना है इसका नया, 10%, वो भी किस पे, RBM पे। तो RBM का क्या सीन है कि हम लोग रेट लगाते हैं किस पे, हमेशा WDV पे, तो WDV कितनी है हमारे पास, जो कैरिंग अमाउंट है वो WDV है हमारे लिए, तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना हमें, हमें सिर्फ 360 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36 आया, तो माइनस किया हमें कितनी आ गई हमारे क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 324 से, तो ये हमारे पास आया 360 ओपनिंग और 324 क्लोजिंग, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है किसका, ऑब्जेक्ट का। ये दो चीजें लिखना लाजमी है कि लाइफ बताओ कितनी लाइफ है और कौन सा मॉडल आप फॉलो कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना है।
हमने कौन सा अटेम्प्ट किया, मार्च 18 FIR 2 का, लेकिन ये अभी किस में काम आएगा, ये हमें FIR 1 में काम आ रहा है, या FIR 1 की बुक में भी है, स्टडी टेक्स्ट में भी है सवाल। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं, शेर दिल।